हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें काफ़ी सारा खाना, पैसा और सेक्स मिलेगा तो हम संतुष्ट रहेंगे और सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। एडिक्शन के दौरान हमें कभी भरपूर मात्रा में ड्रग्स, पैसा या सेक्स नहीं मिले, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा भी हमेशा कम ही लगा। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक खालीपन था। हमने इस खाली जगह को भरने की बहुत कोशिश की मगर कभी सफल नहीं हुए और अंत में हमें एहसास हुआ कि हमारे अंदर खालीपन को भरने की शक्ति नहीं है और इसके लिए हमें हमसे बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। तो आखिर हमने ड्रग्स लेना बंद कर दिया और इस खालीपन को भौतिक चीज़ों से भरने की कोशिश भी बंद कर दी। इसके लिए हम ईश्वर की ओर मुड़े और उनसे स्नेह, शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। हमने समर्पण किया और ईश्वर के लिए जगह बनाई कि वो इस खालीपन को भरने की प्रक्रिया शुरू करे। हमने भौतिक चीज़ों के पीछे भागना छोड़ा और ईश्वर के प्यार का तोहफा अपनाया। धीरे धीरे इससे हमारा खालीपन भर गया। अगर हम ईश्वर के प्यार के तोहफे को जोड़कर अपने पास रखने का प्रयास करेंगे तो हम इस तोहफे का गला दबा देंगे। हमें याद रखना चाहिए कि प्यार बांटने से बढ़ता है। हम ये तोहफा आगे बढ़ाने से ही अपने पास रख सकते हैं। एडिक्शन की दुनिया लेने की या ले लिए जाने की दुनिया थी, वहीं रिकवरी देने की दुनिया है। हमें चुनाव करना है कि हम किस दुनिया में जीना चाहते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं रिकवरी की पूर्णता में रहने का चुनाव करता हूँ। जो मेरे साथ शेयर किया गया है मैं उसे दूसरों के साथ शेयर करूँगा और ईश्वर के साथ अपने चेतन मन के संपर्क का जश्न मनाऊँगा।